शादी पे तो आपकी बहुत रोए होंगे वो। शादी के ऊपर मैं बहुत रोई थी, और मैं इतना रोई थी कि मेरी नन ने कहा खुदा के लिए जबरदस्ती की शादी लग रही है, बंद करो रोना। क्यों रो रही थी आप इतना वैसे? क्योंकि मैं अपने अब्बू को देख रही थी, जब एक बंदा सबके टेबल पे जाके पूछा था आपको मैं कुछ ला के दूं, तो सब ब्लर हो गया था। फिर आप बस, फिर मुझे वो बंदा नजर आ रहा था जिसने मेरी एक एक फरमाइश को ओबे किया, मेरी वो पूरी बकवास लिस्ट जिसका आज तक मुझे दुख है वो उन्होंने सारी मेक श्योर करके कंप्लीट करके। ब्यूटीफुल इंसान। आपको अफसोस होता है कि आपने अब्बा से फरमाइश नहीं कर सकते क्या? आई नो, बट मेरे अब्बू ने उनके फ्रेंड थे उनसे पैसे लिए थे, तो आपको इस बात का, मुझे उस बात का दुख है कि उन्होंने। लेकिन पता है क्या, उसके बाद वो उधार वानी ने दिया। वानी ने कहा अंकल आप टेंशन नहीं ले, ये मैं आपका बेटा हूँ। इसी इस बात का ना मेरे पास जवाब नहीं होता, जब मुझसे लोग कहते हैं कि शादी कैसे चली, जब शादी जिससे की हो वो ऐसा हो और जो मेरी तरबियत हो वो ऐसी हो और जब सब अच्छे लोग एक साथ मिल जाएं तो फिर शादी ऐसे चल जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह।